छत्तीसगढ़ में बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी अच्छी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सोमवार से प्राइमरी स्कूल भी खुलेंगे। नर्सरी से पांचवीं तक कक्षाएं लगाने की अनुमति दी गई है। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति 100% की जाएगी। संक्रमण दर घटने के बाद अधिकांश जिलों में स्कूल खोले गए हैं। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे हमारे साथ लगातार रायपुर से जुड़ी हुई है। सुप्रिया, कोरोना के जो आंकड़े थे उन्हें घटता देख छठी से बारहवीं तक के तो स्कूल खोले थे, लेकिन प्राइमरी स्कूल नहीं खोले गए थे, लेकिन अब प्राइमरी स्कूल का संचालन भी शुरू होने वाला है। जी बिल्कुल, सोमवार से प्राइमरी स्कूल का संचालन भी शुरू होगा। इसे देखते हुए रायपुर कलेक्टर ने आदेश भी जारी किया। आपको बता दूं कि पहले जो आदेश जारी हुआ था उसमें ये बात कहा जा रहा था कि छठवीं से बारहवीं तक की कक्षाओं का संचालन होगा, इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र भी खुलेंगे। लेकिन काफी लोग ये मांग कर रहे थे कि प्राइमरी स्कूल भी खोला जाए, जब आंगनबाड़ी को खोला जा रहा है तो प्राइमरी स्कूल को भी खोला जाए। तो अब रायपुर कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी किया कि अब प्राइमरी स्कूल भी खोले जाएंगे और पहली से पांचवीं तक की जो कक्षाएं हैं सोमवार से उसका संचालन भी होगा। इस संबंध में रायपुर कलेक्टर ने देर रात आदेश जारी किया और कहा है कि अब प्राइमरी स्कूल को खोलने की अनुमति भी मिलेगी, क्योंकि रायपुर में संक्रमण की रफ्तार की बात करें तो अब 4% से कम आ गई है, इस वजह से अब प्राइमरी स्कूल भी खोले जाएंगे। देखिए सुप्रिया, कहीं ना कहीं जो बड़े बच्चे होते हैं स्कूल में वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर लेते हैं, उन्हें समझाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं टीचर्स के सामने चुनौती आ सकती है कि कोरोना की गाइडलाइंस का पालन कैसे करवाया जाए, तो उसको लेकर क्या तैयारी की गई है स्कूल में? जी देखिए, अगर हम दावे की बात करें तो स्कूल प्रबंधन तमाम दावे करता है कि छोटे बच्चे तमाम मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत देखी जाए तो कुछ और ही बयां करती है। छोटे बच्चे मास्क लगाने से बचते हुए नजर आते हैं तो वहीं शिक्षक भी ठीक तरीके से ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि सोमवार को भी यही स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि कोरोना की रफ्तार अभी भी कम हुई है लेकिन खत्म नहीं हुआ है कोरोना, तो वहीं बच्चों के लिए वैक्सीन भी अभी नहीं आई है। तो ऐसे में देखने वाली बात घटने के बाद अधिकांश जिलों में संचालन होगा, अब प्राइमरी स्कूल जो हैं वो सोमवार से खोले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए।